खुला है तो इसका उत्तर तो आपको बाई और दाई तरफ के बीच में स्पर्श करने पर मिलेगा। बीच में एक गोलाकार रूप जो वास्तव में आत्मा को बताया गया है। जब भद्री मास की पुतले में आत्मा प्रवेश करती है तब वह जीवात्मा बन जाती है। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है तथा वह जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। मन के कोने में आपको कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइने अनुभव होगी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइने अनुभव होगी, अर्थात मन में विचार उत्पन्न करने की शक्ति है। मन के विचार बुद्धि के निर्णय के तराजू से तोले जाते हैं। इस वजह से पूरे फल लेकिन लेफ्ट हैंड से दाहिना बाएं से बाएं से पूरा ये एरिया इधर आ रहा है। इधर मॉडल्स है तो यहाँ पे तीन मॉडल्स आपको नजर आएंगे, है ना, इब्राहिम गॉड और ये क्राइस्ट, ये तीनों है ना। ये यहाँ से द्वापर युग शुरू होता है पृथ्वी के, फिर अपन यहाँ से ये बताओ क्या कहिए आगे चलाएं। यहाँ पर हमारा द्वापर युग, द्वापर युग होता था, हमारे साथ काफ़ी भी कार्य करना शुरू होते हैं, हमारे साथ ज्ञान हो जाती है, बुराइयाँ हो जाती है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं हमारे को बताते हमारे चले आगे हम कलयुग में आए तो कलयुग के रूप में क्या होता है, बहुत पापी बन जाते हैं, हमारे अंदर से इतने अवगुण हो जाते हैं, इसलिए पापाचार भ्रष्टाचार धोखाचार सब बढ़ जाते हैं। शांति वृक्ष जैसा हिंदुओं का झाड़ बना हुआ है, ये है ब्रह्मलोक यानी परलोक। इसको निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक इत्यादि नामों से याद किया जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है। योगी मांस अंडे उत्तेजक पेय या तंबाकू नहीं लेता, अपना पेट पालने के लिए वह अन्य जीवों की हत्या नहीं करता, ना ही वह अनुचित साधनों से धन कमाता है। वह पहले भगवान ईश्वर अल्लाह को भोग लगाता है और तब प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है। भगवान द्वारा स्वीकृत वह भोजन